हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लॉयर्स रूम। आज का हमारा टॉपिक है कि लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, सॉलिसिटर और लीगल एडवाइज़र में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लॉयर की। लॉयर इंडिया में उसे कहा जाता है जिसने लॉ डिग्री ली होती है और क्वालिफाई कर लिया होता है कि वो एडवोकेसी कर सकता है इंडिया में। लॉयर जो है वो लीगल एडवाइस दे सकता है, ड्राफ्ट कर सकता है, क्लाइंट को हेल्प कर सकता है कोर्ट में। ये डिफरेंट एरियाज़ में काम करते हैं, जैसे कि कोई क्रिमिनल लॉ में हेल्प करता है, कोई सिविल लॉ में करता है, कोई कॉरपोरेट लॉ में करता है, फैमिली लॉ में करता है। ये लॉयर होता है। बैरिस्टर कौन होते हैं? बैरिस्टर एक्चुअली जनरली यूज़ किया जाता था ब्रिटिश जब रूल था तब, लेकिन अब इसका कॉमनली यूज़ होना बंद हो गया है इंडिया लीगल सिस्टम में। ये जनरली ब्रिटिश में यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, वहाँ पे। अब यहाँ पे इंडिया में एडवोकेट जो होते हैं वो बैरिस्टर का काम करते हैं। अब आते हैं हम एडवोकेट पे। एडवोकेट कौन होता है? जिनको लीगली अलाउ किया गया है इंडिया में, लाइसेंस दिया गया है टू प्रैक्टिस लॉ एंड रिप्रेजेंट क्लाइंट इन अ कोर्ट, मतलब वकील जो कोर्ट में क्लाइंट का केस लड़ सकते हैं और उनकी पैरवी कर सकते हैं। एडवोकेट इन इंडिया दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और सेकंड होते हैं सिर्फ एडवोकेट। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं वो एनरोल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसकी एक अलग से एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनते हैं और सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग कर सकते हैं। उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है टू रिप्रेजेंट क्लाइंट इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर वो किसी और एडवोकेट को परमिशन देते हैं तो फिर और कोई और एडवोकेट भी उसमें पैरवी कर सकता है, प्लीडिंग कर सकता है। जनरली एडवोकेट्स जो होते हैं वो स्टेट बार काउंसिल से एनरोल्ड रहते हैं और वो अपेयर हो सकते हैं लोअर कोर्ट में, लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर ट्रिब्यूनल, और AOR की परमिशन से वो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपेयर हो सकते हैं। ये डिफरेंट एरियाज़ में लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को। इनके अलावा भी कुछ अदर स्पेसिफाइड लीगल प्रोफेशंस हैं इंडिया में, जैसे कि सॉलिसिटर एंड लीगल एडवाइज़र। सॉलिसिटर वो होते हैं जो नॉन लिटिजियस मैटर्स देखते हैं और प्रोवाइड करते हैं लीगल एडवाइस, ड्राफ्ट लीगल डॉक्यूमेंट और हैंडल लीगल ट्रांजेक्शन। ये जनरली इन्वॉल्व होते हैं कॉरपोरेट और कमर्शियल लॉ में। ये ऑफिस वर्क की तरह होता है। जबकि जो लीगल एडवाइज़र होते हैं उनका काम होता है लीगल गाइडेंस देना और एडवाइस देना। किसको? इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, बिजनेस को भी होता है। उनको एनरोल होने की ज़रूरत नहीं है, बट ये लोग एक्सपर्टाइज होते हैं बहुत स्पेसिफिक एरिया में। इंडिया में जो रेगुलेट करता है एनरोलमेंट वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया करता है या स्टेट बार काउंसिल करता है, जो कि एनरोल करते हैं और कंडक्ट ऑफ एडवोकेट इन देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन को देखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सेव, सब्सक्राइब टू सपोर्ट मी। थैंक यू।